तो हेलो गाइस, फिर हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे, मंडावा के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसे जहाँ पर आपको आके आपको एक तरह से सुकून सा मिल जाएगा। यहाँ पर हर चीज़ की टेंशन ही मिट जाती है। एक बार जिंदगी में एक बार ही एक बंदा ऐसा आता है वो दोबारा वापस नहीं जा पाता यहाँ से। यहाँ पर आने के बाद वापस कभी नहीं गया। आज ये जगह के नाम तो मैं अभी बताऊंगा नहीं, आप ही सोच लो और कमेंट करके बता दो क्या हो सकता है। और वैसे आपको दिख ही रहा है आज कहाँ पर आए हैं, ये देख लो। यहाँ पर पीपल का पेड़ है और ये बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उस साइड लोगों का नहाने का है, बाथरूम ये सब है, लोग फ्रेश हो सकते हैं। यहाँ पर रुकते भी है लोग, रात को भी यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत तो नहीं होती यहाँ पर रुकने की। यहाँ पर शाम को आने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ तो आगे चलते हैं, आगे बहुत भी कुछ है आपको दिखाएंगे आज। क्या क्या पेड़ पौधे है चारों तरफ। यहाँ पर पूजा होती है, हवन कुंड है वो सामने की ओर आपको दिख रहा है हवन कुंड है, उसमें राख भरी हुई है, पंखे भी लगे हुए हैं, रात को विश्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे है, जहाँ पर देखो वहाँ पर पेड़ पौधे। हमारे एरिया में एक यही एक ऐसी जगह है, मंडावा शहर में एक यही जगह है जहाँ पर कौवे, मतलब कि कौवा कागला जिसको बोलते हैं, वो मिल जाता है। हमको देखने के लिए नहीं मिलते कागले, और यहाँ पर बहुत सारे ऊपर तोता भी है और ये कौवे बैठे हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर पानी के निकास के लिए कुंड भी बनाया गया है, चलो वो भी देखते हैं पानी क्या साफ मिल सकता है क्या यहाँ पर। यहाँ पर ये श्रीमान ठाकर केसरी सिंह के द्वारा बनाया गया है ये पानी का कुंड। यहाँ पर बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा ना हो सके, ताकि यहाँ पर कुंड में इकट्ठा हो जाए पानी, इसलिए बनाया गया है। मेरी आवाज़ भी डबल आ रही है इसमें। चलो आगे चलते हैं और एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। इधर आओ कैमरामैन, कम हियर। सामने वो आपको दिख रही है शिव मूर्ति, दिख रही है आपको शिव मूर्ति सामने की ओर। यह गार्डन, यहाँ पर शाम को सुबह शाम दोनों टाइम बच्चे बूढ़े सभी आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलते कूदते हैं। सामने चार पांच झूले भी लगाए हुए हैं और यहाँ पर शिव मूर्ति के ऊपर से फुहारा भी चलता है, अच्छा व्यू आता है। लेकिन इस टाइम चालू नहीं है, देखेंगे अगर चालू कर सके तो हम आपको दिखाएंगे। चलो आगे चलते हैं। या वो सामने आपको द्वार दिख रहा है, उसके आगे जस्ट जाएंगे ना, वहीं से हमारा सिलसिला शुरू होता है। इस वीडियो का मेन पॉइंट वहीं पर है इस वीडियो का, जो सामने द्वार दिख रहा है आपको, वहाँ पर चलते हैं अभी और देखते हैं क्या है वहाँ, ऐसा आपको भी दिखाते हैं। है तो उस खतरनाक ही व्यू, लेकिन आगे हम आपको दिखाने के लिए कि मंडावा में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर पब्लिक आती है, व्लॉगर्स भी बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ पर दाना डालने के लिए पक्षियों के लिए, शाम के टाइम पक्षियों को दाना डालते हैं, और ये छोटे छोटे कंटोरे टंगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे आगे पानी भी डालते हैं ताकि पक्षियों को पानी भी मिल सके। चलो आगे चलते हैं। जिसने सोच लिया है वो कमेंट करके बता दो मेरे को कि वीडियो में क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको। आगे तो पता चल ही जाएगा वैसे, लेकिन पहले ही देख लो, पहले बता दो मेरे को क्या दिखा रहा हूँ आपको। सामने द्वार पे लिखा हुआ वैकुंठ द्वार है ये। वैकुंठ द्वार का मतलब तो मैं नहीं बताऊंगा, आगे आप ही देख लेना क्या है। और ये पास में पानी की टंकी है, पहले चल के पानी पी लेते हैं, मेरा गला भी सूख गया, बोल के परेशान हो गया हूँ। ये टंकी है, चलो यहाँ पर चलते हैं, इसके ऊपर भी देखते हैं कैसा आता है। ये मंदिर है छोटा, ये यहाँ पर कुआं है और ये छोटा मंदिर है, बालाजी का मंदिर है यहाँ पर छोटा, और उसके जस्ट पीछे आपको कुआं दिख रहा होगा, ये पीछे कुआं है। अब इसके ऊपर चढ़ेंगे हम और ऊपर से व्यू देखेंगे क्या कैसा व्यू आता है इसका। ये हमारे अमित भाई चढ़ चुके हैं।
हम ऊपर आ गए हैं, वो सामने पानी की टंकी दिख रही है, वो अभी भंडार शहर के लिए पानी के निकास के लिए नई टंकी बन रही है। इसके पास वाली है उसको गिरा देंगे, ये नई बन जाएगी तब। और सामने वो मंडावा शहर है ये पूरा, और ये सामने जो दिख रहा है आपको वो गढ़ है जो आपको उस कुंड पे दिखाया था ना, आकर केसरी सिंह का दिखाया था ना लोगों, वो सामने वो उसी का महल है, वो उसी का गढ़ है। और भी दिखाते हैं आपको इधर आओ, और ये जहाँ पर से जिधर से हम आए थे वो एरिया ये है। ये सामने जो दिख रही है वो तहसील है, और ये वो वैकुंठ द्वार जिसके अंदर हम प्रवेश करेंगे अभी, और ये वो बालाजी मंदिर जिसका मैं आपको बता रहा था, ये बालाजी मंदिर, ये वैकुंठ द्वार, इसमें जाएंगे हम प्रवेश करेंगे तब देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं मैं आपको कहां पर लेकर आया हूं, ये वैकुंठ द्वार दिख गया आपको, हम नीचे आ गए टंकी के, वो टंकी रही इससे नीचे, ज़्यादा ऊँची तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट होगी, 40 फुट होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी मस्त व्यू आ रहा है ऊपर से। क्रेजी एक्स वाई जेड ने आपको भानगढ़ की वीडियो दिखाई थी कि भानगढ़ का किला आपको दिखाया था, वहाँ पर भूत प्रेत दिखाए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, वो तो एडिटिंग का कमाल था। हम आपको रियल चीज़ दिखाने लाए हैं। यहाँ पर द्वार की उस साइड तो पेड़ पौधे हैं, शांत वातावरण है, अच्छा वातावरण है वहाँ पर तो। और आगे जो अब दिखाने जा रहे हैं आपको, बस वीडियो को देख के डर मत जाना आप, वीडियो बहुत खतरनाक होगी। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ पर लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, लेफ्ट टर्न क्या आगे, अभी हम जहाँ पर वो गेट था वहाँ से 200 से 300 मीटर आगे हम आ चुके हैं। इधर ये टेंट सेट दिख रहा है, यहाँ पर भी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ। यहाँ पर ये स्टोर रूम है, ये यहाँ पर है क्या बोलते हैं इसको, अंतिम संस्कार स्थल, ये यहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं। फिर यहाँ से जो ये राख है इसका भी समाधान है, ये राख एक महीने के एक दिन ये ट्रक में भरकर गंगा नदी में बहाई जाती है। जो दिख रहा है ये अभी ताज़ा ये यहाँ पर गड़ा पड़ा हुआ है, बांध ऊपर से मुख इसका बांध के जो गड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये तिया हुआ है जल्दी गई। और ये जो आपको टेंट सेट दिख रहा है सामने की, और ये टेंट सेट इसलिए है ताकि बारिश के मौसम के अंदर यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हो सके, एक जगह खड़ी हो सके, ताकि भीगे ना पब्लिक, और यहाँ पर जला सके बारिश के मौसम में भी, ताकि छांट की वजह से आग बुझ ना जाए। और प्लस में यहाँ पर टेंट सेट वो सामने पड़ा है वो भी लगाया, ताकि हवा के बहाव को भी रोका जा सके, आग डिस्टर्ब ना हो। और भी आगे बहुत कुछ है यहाँ पर, ऐसी जगह है यहाँ आपको मंडावा शहर में एक यही जगह है यहाँ पर सुकून मिलता है, बाकी पूरे मंडावा शहर में कुछ नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। लेकिन सुबह तो चलो आ जाते हैं लोग 4 से 5 बजे के समथिंग जल्दी आ जाते हैं, लेकिन रात के टाइम कोई यहाँ पर रुकता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पर रुक जाए। और अगर आपकी होती है हिम्मत रुकने की तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको जगह बताऊंगा, आप आओ चलोगे? वो वहाँ पर गार्डन है, चलो पहले गार्डन में चलते हैं। यहाँ पर पानी की प्याऊ है, पानी पीने के लिए ठंडा पानी आ रहा है, हमने भी पिया। और ये गार्डन है हमारा, चल रहा है धूप, ताकि हरी हरी धूप रहे, लोग बैठ सके, विश्राम कर सके, क्योंकि सुबह शाम के टाइम दोनों टाइम ही यहाँ पर पब्लिक बहुत आती है। अभी तो टाइम नहीं है पब्लिक आने का, 4 से 5 बजे समथिंग, 6 बजे के समथिंग आएगी शाम को पब्लिक। और ये विश्राम स्थल है, ये अभी अभी बना है, ज़्यादा वक्त तो नहीं है, जिस टाइम इसका काम चल रहा था उस टाइम भी हम आए थे। ये अभी कबीर वाटिका है जो अभी मैंने आपको पीछे अभी दिखाई ना जस्ट, ये समाधि स्थल
प्लस में ये टेन सेट, एक और वो आगे है वहाँ पर पानी के कंडोरे पड़े हैं, वहाँ पर पानी डालते हैं पब्लिक। दो व्यक्ति काम भी लग रहे हैं यहाँ पर घास घूस को काटने में, जो कोई सूखी घास आती है ना उसको काट देते ताकि हरी घास मिल सके सभी जानवरों को और हमको भी बैठने के लिए। सुबह शाम लगे ही रहते हैं, हर दिन सुबह शाम क्या पूरे दिन ही लगे रहते हैं। ये वैसे जगह है मुकनगढ़ रोड की ओर। हाँ तो बस यही वीडियो का एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो आपको, आप कमेंट करके रिव्यू दे दीजिए मेरे को कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए हमको रिव्यू की कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर ऐसी मंडावा की इंटरेस्टिंग और वीडियोज, जो शूटिंग एरिया की वीडियोज़ है, जो शूटिंग एरिया है अभी लास्ट एंड में आपको दिखाऊँगा, अभी एक शूटिंग भी चल रही है मंडावा में, उसका छोटा सा क्लिप आपको घेरता हूँ मैं। आप बताना मेरे को कि अगर वो वीडियो भी आपको चाहिए शूटिंग की तो मैं आपको, आपके लिए बना दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए मेरे को। तब तक के लिए बाय।